आज हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो इमरजेंसी के दौरान जेल की काल कोठरी में चीख चीख कर रोया करती थी। आसपास के बैरकों में उसकी चीख सन्नाटों को चीर देती थी। जिस आरोप में उसे जेल में डाला गया था वो आरोप उस पर कभी सिद्ध ही नहीं हुआ और अंत में वो इतनी यातनाओं के बाद तड़प तड़प कर मर गई। हम बात कर रहे हैं 1976 में आपातकाल के दौरान कन्नड़ की मशहूर अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी के ऊपर किए गए यातनाओं की कहानी के बारे में। आज के मौजूदा दौर में एक शब्द बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, लोकतंत्र का हनन या फिर अभिव्यक्ति की आजादी। और 2014 के बाद ये शब्द कुछ ज्यादा ही सुनने को मिला है और सबसे ज्यादा वामपंथी और कांग्रेसी विचारधारा के लोग अब इस माहौल में डरते हुए दिखाई देते हैं। 2014 के बाद सत्ता परिवर्तन के बाद देश भर में मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और फ्रांसिस जैसे शब्द बच्चे बच्चे के जबान से सुने जाने लगे। लेकिन असल मायने में लोकतंत्र का हनन क्या होता है ये जानना है तो हमारी इस रिपोर्ट को पूरा देखिए। बात 1976 की है। देश में कांग्रेस की सरकार थी, आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी के हाथ में देश की बागडोर थी। स्नेहलता रेड्डी की कहानी भारतीय लोकतंत्र के उस स्याह 19 महीनों के दौरान की है जिस त्रासदी को संविधान आपातकाल के नाम से जानता है। कहा जाता है कि यह निर्णय कांग्रेस की लौह महिला इंदिरा गांधी के अगुवाई में फांसीवादी शक्तियों से लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए लिया गया था। उस समय के बड़े समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा उनके मित्र और कन्नड़ अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी पर किए गए बेहिसाब शोषण का यह किस्सा शायद ही लोगों को आज तक मालूम हो या फिर लोगों के सामने आज तक रखा गया हो। आपातकाल के दौर में सरकार के खिलाफ जो नेता नारेबाजी कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें उठाकर सीधा जेल में डाला जाने लगा। उस दौरान भारतीय जन संघ के दो युवा नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जो अपने ओजस्वी भाषण के जरिए सरकार पर निशाना साध रहे थे उनको भी बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। आपातकाल के नाम पर लाखों बेकसूर लोगों को मनचाहे कानून के तहत जेल की नारकीय यातनाएं दी गई और जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को जेल में डाला गया तो जेल में रात में किसी महिला के जोर जोर से रोने की आवाज आया करती थी। जब लोगों ने मालूम किया तो मालूम चला कि एक कन्नड़ की मशहूर अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी हैं जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक शरणार्थी राजनीतिक के संपर्क में थी और आरोप लगाया गया कि वो डायनामाइट से पूरे संसद भवन को उड़ाना चाहती थी। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के सैनिक लाखों निर्दोषों को बिना कारण बताए जेल में ठोस रहे थे और इनमें से अधिकतर की गिरफ्तारी मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत की जा रही थी। अब कन्नड़ अभिनेत्री स्नेहलता पर आरोप लगाया गया कि वो डायनामाइट से दिल्ली में संसद भवन और अन्य मुख्य इमारतों को धमाका करके उड़ाना चाहती थी और इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया था। स्नेहलता पर आईपीसी की धारा 120-120A के तहत आरोप लगाए गए। हालांकि आखिर में इनमें से कोई भी आरोप साबित ही नहीं हुआ और राज्य ने उन्हें वापस ले लिया। लेकिन मीसा के तहत स्नेहलता की कैद जारी रही और यातनाएं वो झेलती रही। स्नेहलता को धोखे से जेल में डाला गया था। बेंगलोर केंद्रीय कारावास पहुंचते ही उन्हें ढेरों अपमानजनक अनुभवों का सामना करना पड़ा। वहां उन्हें एक हवादार कोठरी में बंद कर दिया गया जिसका आकार एक व्यक्ति के हिसाब से पर्याप्त था। इस कोठरी में पेशाब घर के जगह पर कोने में एक छोटा सा छेद बना हुआ था और दूसरे छोर पर लोहे का एक जालीदार दरवाजा भी लगा हुआ था। स्नेहलता ने फर्श पर सोकर रातें गुजारी। जेल में उनकी रातें इतनी ज़्यादा गुजरने लगी कि उनके पीछे उनके परिवार का क्या हो रहा होगा सब कुछ सोचा करती थी। परिवार के साथ क्या सलूक किया जा रहा होगा क्योंकि इस दौरान जेल से उनसे मिलने कोई नहीं आया था। आखिरकार घर वालों ने इतना तो मालूम लगा ही लिया था कि वो किस जेल में बंद हैं। एक ऐसा समय जब नागरिकों के सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। उन्हें 8 महीने तक बिना किसी मुकदमा चलाए असीम यातनाओं के बीच
बेंगलुरु सेंट्रल जेल में रखा गया था। 2 मई 1976 को गिरफ्तार किया गया। बेंगलुरु की जेल में उनके साथ बेहद अमानवीय दुर्व्यवहार किए गए। मधु दंडवते, जो कि उसी समय उसी बेंगलोर के जेल में थे, उन्होंने अपने एक किताब में लिखा था कि उन्हें रात के सन्नाटे में स्नेहलता की चीखती हुई आवाज़ें सुनाई देती थीं। जेल में लिखी एक छोटी सी डायरी में स्नेहलता ने लिखा भी था, एक महिला को जेल के अंदर डाल दिया जाता है, उसे बाकी सभी कैदियों के सामने नग्न कर दिया जाता है, और जब किसी व्यक्ति को सज़ा सुनाई जाती है तो उसे पर्याप्त सज़ा दी जाती है। क्या मानव शरीर को अपमानित करना सही है? लिखित तरीकों के लिए कौन जिम्मेदार है? ये सवाल उन्होंने अपने किताब में ज़रूर पूछे थे। स्नेहलता अस्थमा की मरीज थी, बावजूद इसके उन्हें घोर यातनाएं दी जाती थीं और जेल में उन्हें निरंतर उपचार भी नहीं दिया जाता था। ये बातें स्वयं स्नेहलता ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के सामने रखी थी। जेल में मिलने वाली क्रूर यातनाओं ने उन्हें उस वास्तविकता ने स्नेहलता को बेहद कमज़ोर कर दिया और उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। जनवरी 15, 1977 को उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया गया और रिहाई के 5 दिन ही बाद 20 जनवरी को हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। कहा तो ये भी जाता है कि इतनी यातनाएं वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। सवाल ये भी रह गया कि ऐसे ही न जाने और कितनी स्नेहलताएँ इंदिरा गांधी और कांग्रेस की सत्ता में बने रहने की चाह की बलि चढ़ गईं। स्नेहलता की मौत के बाद मानवाधिकार आयोग ने उनकी डायरी के कुछ पन्ने भी जारी किए थे, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचार और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का वर्णन भी साफ तौर से किया था। कांग्रेस ने सत्ता और शासन के लिए हमेशा हर तरीके को अपनाया है। इसका अंदाज़ा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि जहां पूरा देश आज कांग्रेस को एक सिमट चुकी कहानी समझता हुआ आ रहा है, स्नेहलता रेड्डी की चीख उन्हें शायद उनकी मौत तक पीछा किया होगा, उनकी चीख ने। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते जितने वाम उदारवादियों और विचारकों की जमात इजाद की और उनकी चीखों की निर्मम कहानियां आज तक किसी ने शायद नहीं सुनी। खबर आपको कैसी लगी? हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी खबरें अगर आप पसंद करते हो या आप अपने कोई विचार रखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें। शुक्रिया।